सुखबीर बादल साहब का, और उसने कहा है कि गुरनाम सिंह ने मेरे को कल फोन किया था कि गुरुद्वारा साहिब से लंगर करनाल में भिजवाया जाए। गुरनाम सिंह चनूनी जी, उन्होंने मैं रात फोन आया सी कि उत्थे संगत बहुत है ते लंगर दी सेवा दा उत्थे इंतजाम हो जाए। वो क्या दर्शाना चाहते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन गुरुद्वारे वाले हमारी खुद सेवा कर रहे हैं, हमें फोन करने की क्या जरूरत थी बादल साहब को। और जी धामी साहब इतने बैठे है, दोनों की मैं ड्यूटी लाई है कि जल्दी तो जल्दी पानी ते लंगर का प्रबंध करनाल जिथे संघर्ष चल रहा है उत्थे इंतजाम किया जाए। क्या लंगर के लिए बादल साहब को फोन करेंगे, और क्या बादल साहब सारे गुरुद्वारे में कोई ठेकेदार थोड़े ही हो गए हैं कि उन्हीं के कहने से लंगर आएगा? उन्होंने लंगर बना के पचाया, सवेरे चाय पचाई, बिस्कुट पचाए, और पता नहीं क्या क्या पचाया। बहुत सेवा कर रहे हैं हम, अति आभारी हैं, लेकिन इस पे एक छोटा सा बयान बादल साहब का आया है, सुखबीर बादल साहब का, और उसने कहा है कि गुरनाम सिंह ने मेरे को कल फोन किया था कि गुरुद्वारा साहिब से लंगर करनाल में भिजवाया जाए। तो वो क्यों बयान दिया, उसके पीछे क्या मनसा थी परमात्मा जाने। मैंने अभी तक बयान सुना नहीं है, लेकिन मीडिया वालों ने भी मेरे से आते आते कई सवाल कर लिए कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है, क्या आपकी कोई बात हुई थी? वो क्या दर्शाना चाहते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन गुरुद्वारे वाले हमारी खुद सेवा कर रहे हैं, हमें फोन करने की क्या जरूरत थी बादल साहब को? क्या लंगर के लिए बादल साहब को फोन करेंगे, और क्या बादल साहब सारे गुरुद्वारे के कोई ठेकेदार थोड़े ही हो गए हैं कि उन्हीं के कहने से लंगर आएगा? सवेरे नाडा साहब से लंगर यहां पे आया, वहां के जो हेड है वो मेरे को मिले, उन्होंने कहा जी हम नाडा साहब से लंगर लेके आए हैं। मैंने कहा जी सैल्यूट है आपको, आपके बहुत धन्यवाद दिए, आभारी, आप कहां नाडा साहब से लेके करनाल में लंगर पहुंचे, बहुत धन्यवाद। लेकिन बादल साहब का ये कहना हमें बड़ा अटपटा लगा है कि गुरनाम सिंह ने कहा है, मैंने ना कोई उनको फोन किया, ना मेरे कहीं सनगुमान है कि उनको करें, ना मेरी को उनसे जानकारी है, कोई रिश्तेदारी है, कोई मित्रता है मैं उनको फोन करूं। लेकिन वो किस तरह का भ्रम किसानों में फैलाना चाहते हैं, या ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े सेवादार हैं किसानों के, शायद वो ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में उनकी रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है, लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं, शायद वो इसलिए कहना चाह रहे हैं। तो साथियों, मेरा साफ तौर पर कहना है, मीडिया वाले भाई भी सुन लें, वैसे तो उसका बयान मेरे पास अभी तक आया नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन मैंने ना उनसे को बात की है, ना मेरी को उनसे बात हुई है, वो बिल्कुल जो है वो बयान निराधार बयान है। हाँ, गुरुद्वारे वालों के हम अति आभारी हैं, अति आभारी हैं कि वो लंगर की बहुत सेवा करते हैं, बहुत हाँ। एक अपील, ये धरना 24 घंटे का है, यहाँ पे आप सभी लोग डटे रहेंगे, एक बात। दूसरा बात, मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट टिकैत साहब से करूंगा कि जो यूपी के इधर वाले जिले हैं, हरियाणा के साथ लगते, उनको आप थोड़ा सा और बेनती कर दें कि वो यहाँ पे अपनी हाजिरी रखें, क्योंकि दूर के, ज्यादा दूर के लोग नहीं आ सकते, लेकिन यूपी हमारा पड़ोसी है बिल्कुल, जो इधर वाले लोग हैं, जो यहाँ पे धान भी बेचने आते हैं, जो सारे का, वो लोग यहाँ पे हाजिरी और रखें, ताकि यहाँ पे अच्छी हाजिरी बनी रहे। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।